लेकिन बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के जयपुर से, जहां पर बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गायों में लंपी बीमारी के मुद्दे पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता विधानसभा के कूच के लिए निकले हैं। बीजेपी ने लंपी वायरस पर गहलोत सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बता दें आपको, थोड़े दिन पहले तस्वीरें सामने आई थी जिसमें सैकड़ों की संख्या में मृत गायों को दिखाया गया था। उसी मुद्दे पर बीजेपी अब अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जयपुर में विधानसभा कूच करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उतरे हैं, लेकिन पुलिस की मौजूदगी भी आपको दिख रही है और पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। लंपी वायरस से सैकड़ों गायों की मौत राजस्थान में हुई है और इसी बात को लेकर बीजेपी अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहरा रही है। कह रही कि राजस्थान सरकार ने तय समय पर या समय की सीमा में रहते हुए गायों के लिए जो वैक्सीनेशन है वो नहीं कराया, जिसकी वजह से लापरवाही हुई और गायों की जान गई। और इसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता लंपी बीमारी के इसी मुद्दे पर विधानसभा कूच कर रहे हैं, जहां पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि आपको बता दें, राजस्थान सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब बड़े पैमाने पर टीके लगाए जा रहे हैं पशुओं को, लेकिन वो तस्वीरें वाकई दिल को दहला देने वाली थी, जहां सैकड़ों गायें मृत अवस्था में देखी गई थी और ये सब लंपी वायरस की वजह से हुआ। तो जाहिर है बीजेपी के पास एक राजनीतिक मुद्दा उनके हाथ आया विरोध जताने का, आप देख सकते हैं। इस वक्त पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है, ये विधानसभा कूच कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। गायों की मौत के मामले में बीजेपी ने हल्ला बोल रखा है इस वक्त, और बीजेपी वर्कर्स विधानसभा जाना चाहते हैं और पुलिस आप देखिए कितनी भारी संख्या में वहां मौजूद है जो उनको रोक रही है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर प्लेकार्ड्स लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा कूच कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस की भी भारी तैनाती यहां पर है और इन सभी को एक चेन बनाकर रोकने की कोशिश की जा रही है, इन्हें यहां से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ध्यान से इन तस्वीरों को देखें, कुछ लोग पुलिस के डंडे को हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हटने को राजी नहीं है। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, पहले जो तस्वीरें सामने आई थी वो बेहद दर्दनाक थी, जब लंपी वायरस की वजह से गायों की मौत हो गई, अब बीजेपी का प्रदर्शन तस्वीरों में नजर आ रहा है। मनीष, मैडम देख रहे हैं आप, हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य, वो भी पुलिस और इन बीजेपी वर्कर्स के बीच हो रही धक्का मुक्की में, इस कश्मकश में बीच में फंसे हुए थे और वहां से उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप देखिए मनीष वहां मौजूद हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जो है आप वर्कर्स वहां पर हैं और पुलिस सबको वहां से खदेड़ रही है, सबको हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है, एक एक करके एक एक वर्कर को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। मनीष, आप सुन पाए और अगर आप हैं स्थिति में बात करने की तो बताइए, काफी हंगामा दिख रहा है वहां पर। देखिए सौरभ, यहाँ पर सौरभ देखिए हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और लंपी को लेकर ये जितने भी कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं। बीच में भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया था, लेकिन जो बैरिकेड्स बनाए थे उनको तोड़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखिए बीजेपी के सांसद यहाँ पर मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, जो स्थानीय विधायक है वो भी यहाँ पर, तमाम लोग मौजूद हैं और 3-लेयर सिक्योरिटी पुलिस बल ने पूरी यहाँ पर तैनात करी थी। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर झड़प चल रही है, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, जो फर्स्ट लेयर में थी वो सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए, पीछे वाटर कैनन और जो सिक्योरिटी है एसटीएफ की और स्पेशल जो टास्क फोर्स है वो यहां पर मौजूद है और ये पूरे कोशिश कर रही है कि जो पीछे से बीजेपी कार्यालय की तरफ से जो बीजेपी के जो लोग आ रहे हैं उनको यहां पर किसी तरीके से रोका जाए। बैरिकेड्स लगाए गए हैं लेकिन फिलहाल यहां पर स्थिति नहीं दिख रही है, स्थिति यहां पर बिगड़ती जा रही है क्योंकि जो बैरिकेड्स हैं उनको हटाते हुए यहां पर जो सारे बीजेपी के जो ये कार्यकर्ता है वो यहां पर आ गए, यहां पर वो जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं। मनीष, ये बताइए ये जगह है क्या, ये क्या विधानसभा के ठीक बाहर की तस्वीर है या कुछ दूरी पर? देखिए ये 22 गोदाम इलाका है और मेरे ठीक पीछे महज आधा किलोमीटर की दूरी पर बीजेपी का ऑफिस है और ये यहाँ पर बैरिकेड है और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर विधानसभा है। यहाँ से विधानसभा कूच करने का आह्वान किया गया था और बीजेपी ने पहले पूरा कार्यक्रम बीजेपी ऑफिस में तय किया था, वहाँ पर सभी विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, जो सांसद हैं वो मौजूद थे और उनकी अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था कि विधानसभा के बाहर सारे कार्यकर्ता मौजूद होंगे और लंपी को लेकर विधानसभा के अंदर जो बीजेपी का जो विधायक है, जो पूरा प्रतिपक्ष है, वो अंदर हंगामा करेगा, अंदर इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेगा और उसी
को रोकने के लिए ये पूरी तैयारी है। आप देखिए भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है, महिला पुलिस बल लाठी लेके यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको किसी तरीके से यहाँ पर रोक लिया जाए ताकि इसके आगे ना जाएं, क्योंकि विधानसभा है वहाँ पर कुछ करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। बहरहाल अभी कश्मकश चल रही है, आप देखिए पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पे रोका जाए और इस बैरिकेड से आगे ना जाने दिया जाए। अगर इस बैरिकेड को तोड़ा जाएगा तो आगे वाटर कैनन वगैरह तमाम इस्तेमाल किया जा सकता है और एसटीएफ आगे तैनात किया गया है ताकि ये जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है उसको किसी तरीके से रोके। लंपी को लेकर राजस्थान में बीजेपी ने इस बार हल्ला बोला है, तैयारी पहले से थी क्योंकि राजस्थान में हजारों गायों की मौत हुई है और उसको लेकर बीजेपी ने सदन में सबसे पहले इसको मामले को उठाया भी था और उसी के मद्देनजर आज विधानसभा में भी हंगामा करने की पूरी तैयारी की गई थी और ठीक वैसा ही हुआ। बीजेपी कार्यालय में पहले आह्वान किया प्रदेश अध्यक्ष ने और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए अब पूरी तैयारी की गई है ताकि किसी तरीके से इन कार्यकर्ताओं को रोका जाए और ये आपसी जो टसल है वो जबरदस्त यहाँ पे चल रही है तमाम पुलिसकर्मी। ये ऐसा लग रहा है मनीष की जो पहला बैरिकेड था तो बीजेपी के कार्यकर्ता वो बैरिकेड तो लांग कर आगे आ गए थे, वो बैरिकेड तो गिरा दिया गया लेकिन अब पुलिस ने वापस पुशबैक किया है, फिर पीछे धकेल दिया इन लोगों को। देखिए बिल्कुल जो पहला बैरिकेड है उसको आगे किसी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाकर यहाँ पर आगे तो आ गए लेकिन भारी बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और आप देखिए धीरे धीरे बीच में जो है महिला पुलिस कर्मियों को लगाया गया है, आगे आरएसी के जवानों को लगाया गया है और मेरे ठीक जो बगल में है वो वहाँ पर वाटर कैनन चार चार और दंगा प्रहार में की जो गाड़ियाँ हैं रबड़ बुलेट्स जिससे चलती हैं उसको साथ ही साथ एसटीएफ को तैनात किया गया है और पूरी बल्लियों से उस बैरिकेड को बांध दिया गया है ताकि यहां से किसी तरीके से कार्यकर्ता नहीं थे क्योंकि अगर यहां से निकल गए तो विधानसभा की तरफ कूच करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। यही वजह है कि बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कल ही ट्वीट किया था और ट्वीट में इन्होंने लिया था कि आज इस बार एक बार फिर से जंग होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।